नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाइवर्सिटी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में, बड़ी अपडेट के साथ में, बड़ी खुशखबरी के साथ में, जिसका अभ्यर्थी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 37,339 अभ्यर्थी जो चयनित है वो चाहते हैं कि जल्द यहाँ पे नियुक्ति मिले, क्योंकि लगातार मामले न्यायालय के अंदर जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो थर्ड और फोर्थ काउंसिलिंग का इंतजार कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि एक बार 37,339 की काउंसिलिंग हो, उसके बाद में बचे हुए अभ्यर्थी को भी यहाँ से जो नियुक्ति पत्र दे दिए जाए। तो ऐसे में बड़ी अपडेट दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा जानकारी आप सारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी लेकर आया फ्री मॉक टेस्ट सीटेट पेपर 2 के लिए। 25 नवंबर 4 बजे से होगा कॉमन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। 25 नवंबर को 5:30 बजे से होगा मैथ एंड साइंस का। साथ ही 6:30 बजे से लिया जाएगा सोशल स्टडीज का टेस्ट। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी लेकर आया है क्रैक सीटेट 2020 कंप्लीट बैच को 24 नवंबर 2020 से। सभी बैच को एक्सेस करने के एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी पर, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अगर आप सीटेट 2020 की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी लेकर आया है कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन सीईटी 2020। 1 दिसंबर 2020 से स्टार्ट प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन। अगर आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी लेकर आया कंप्लीट रिवीजन बैच को सीईटी पेपर 1 पेपर 2 के लिए। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी प्लस पर, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ऑनलाइन अड्डा के 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आंसर राइटिंग सेशन भी होगा। मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में उपलब्ध है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लगातार 37,339 छात्र एक ही चीज को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कब से उनकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी, कब से उनका शासन आदेश देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में न्यायालय के अंदर तमाम मामले लगते जा रहे हैं और भी तमाम समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसे में बड़ी खुशखबरी दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। जितने भी अभ्यर्थी देखे इस वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा, क्योंकि वीडियो देखने वालों की संख्या 30,000 से 40,000 हो जाती है, लेकिन लाइक सिर्फ 3,000 से 4,000 रहते हैं। तो ऐसे में जब आपको कोई अच्छी खबर है तो लाइक का बटन अवश्य दबाया करें, जिससे आप सभी को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आए और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसे में लगातार दोस्तों मैं आप सभी को कह रहा था कि अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। कहीं ना कहीं अधिकारी हर बार की तरह चीजों को छुपाकर आप सभी के सामने रख रहे थे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी जो अपडेट आप सभी को बताना चाहूंगा वो ये है कि अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार इलेक्शन कमीशन की परमिशन मिल चुकी है, इसी की वजह से आपका जो मामला है वो डिले हो रहा था। लेकिन ऐसे में यहाँ पे लगातार मैं आप सभी को कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लोग तैयार कर लें, जिससे कि आगामी समय के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी 37,339 के अंदर चयनित हैं या फिर थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बड़ी राहत की यह बात देखने के लिए मिल रही है कि आखिरकार 37,339 का जो कार्यक्रम है वो आपको देखने के लिए मिल गया है। हालांकि अधिकारी जो बता रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिला है। मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, प्रेस नोट के माध्यम से आपके सामने चीजें स्पष्ट होंगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। प्रेस नोट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है। अभी ये जो नोट है वो कंप्यूटर पे टाइप किया जा रहा है, आधा टाइप हुआ है। हो सकता है कि वीडियो बनाते बनाते आप सभी के सामने पूरा देखने के लिए मिल जाए, लेकिन अभी जैसे ही टाइप हुआ है मेरे पास जानकारी आ चुकी है। पहला मामला आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि 21 मार्च 2020 को जो आदेश है वो दिया गया था, उसी क्रम में 31,000 शिक्षकों को यहाँ पर जो नियुक्ति है वो दे दी गई थी। लेकिन ऐसे में आप सभी को बताया कि 37,339 छात्रों को यहाँ पे रह गए थे, तो 18/11/2020 को जो आदेश दिया गया था बचे हुए 36,590 पदों पे जो नियुक्ति है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी 2/12/2020 को, साथ में 4/12/2020 आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में 3 दिनों में आपकी जो नियुक्ति है वो करवाई जाएगी। माफ कीजिए, जो काउंसलिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगी जनपद वाइज। जो भी 37,339 के अभ्यर्थी हैं ऐसे में 36,590 को यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। रीजन आप सभी जानते हैं, 1133 सीटों को निकालकर जो बचते हैं उनको यहाँ पे नियुक्ति देने की जो बात है वो कह दी गई है। लेकिन ऐसे में एक चीज यहाँ पे नोट की जा रही है, प्रेस नोट के अंदर जानकारी मिल रही है कि नियुक्ति वितरण जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में इसके अंदर कोई भी जानकारी नहीं देने वाली है। मतलब स्पष्ट तौर पर यह है
कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 37,339 छात्रों को 3 दिन काउंसलिंग करवाने के बाद में नियुक्ति का जो प्रोसेस होगा, नियुक्ति पत्र जो आपको वितरित किए जाएंगे, एक दिन डिसाइड करके आप सभी के सामने रख दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में जो 37,339 के अभ्यर्थी, बड़ी खुशखबरी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल चुकी है। 2/2020 से लेकर 4/2020 में आपकी जो काउंसलिंग है वो होगी। लगातार कहीं ना कहीं अधिकारियों के माध्यम से कहा जा रहा था कि इसी हफ्ते आपका जो शासन आदेश है वो आ जाएगा और उसके बाद में आपकी जो काउंसलिंग है वो करवा ली जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं शासन आदेश आने में थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा। शासन आदेश इसलिए भी जारी नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई न्यायालय का मामला तो है नहीं है, 31,000 के अंदर न्यायालय का मामला था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रेस नोट के माध्यम से यहाँ पे सरकार की तरफ से आपको देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग है वो 3 दिन चलेगी, लेकिन नियुक्ति पत्र कब मिलेंगे इसके बारे में अलग से जानकारी दे दी जाएगी शासन प्रशासन की तरफ से। जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पाए जल्दी से कर लें, क्योंकि अब यहाँ पे आपका जो इंतजार है पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है और काफी लंबा आप लोगों को समय मिल चुका है अपनी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए। लेकिन ऐसे में जो कहने की थर्ड और फोर्थ काउंसलिंग को लेकर इंतजार कर रहे थे उनको भी यहाँ से बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आप सभी को बताए कि एक बार 37,349 को यहाँ से नियुक्ति मिल जाती है तो उसके कम से कम 2 महीने के अंदर आप लोग मान करके चलिए कि जो थर्ड और फोर्थ काउंसलिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बड़ी अपडेट दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है 37,339 छात्रों को लेकर, चूंकि आप सभी को बताए कि मामले लगातार न्यायालय के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 तारीख को एमआरसी का मामला भी लिस्टेड हो चुका है, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हाई कोर्ट के अंदर भी इससे संबंधित मामले लगे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आगामी समय में सुनवाइयां होंगी तो आपको यहां से कुछ देखने के लिए मिल सकता है। लगातार आंसर की मामला भी लग रहा था, लेकिन ऐसे में 37,339 का मामला यहां पर दिखाई नहीं दे रहा था, तो सडनली आप सभी के सामने प्रेस नोट देखने के लिए मिला है। जैसे ही आधिकारिक तौर पर साइन होकर जारी होगा ये आप सभी के सामने रख दिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिली है ऑनलाइन डफ और श्री चैनल के माध्यम से। साथ ही ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में सवाल होगा, सर चयन सूची कब से जारी होगी? तो जैसा कि आप सभी ने देखा नोट के माध्यम से जहां पे लिखा हुआ है कि 2 तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो मान के चलिए कि इस महीने के अंत तक आप सभी के सामने चयन सूची जारी कर दी जाएगी। संभवतः ये भी मान सकते हैं कि आप लोग 30 तारीख के बाद में कभी भी आपके सामने चयन सूची जारी होने की संभावना है। ऐसे में अभी तक विभाग की तरफ से जानकारी मिली है, प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी मिली है वो यही है, बाद में आप लोगों के सामने नियुक्ति पत्र को लेकर अलग से जानकारी दी जाएगी। लेकिन ऐसे में जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे उनको यहाँ से जो बड़ी राहत है वो दे दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी चयन सूची को लेकर परेशान है लगातार अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और जो भी जानकारी निकलेगी आप सभी के सामने रख दी जाएगी। ऐसे में आदेश आने तक का या फिर इस प्रेस नोट को लिखित में आने तक का आप लोग इंतजार कर लें, बिल्कुल सटीक जानकारी आप सभी के सामने दी जाएगी जो कि ऑनलाइन डफ और श्री चैनल के माध्यम से। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अब ऐसे में आप लोग अपनी काउंसलिंग की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। जो भी 37,339 के अंदर चयनित थे उन सभी की यहाँ पर जो काउंसलिंग वो 2 तारीख से होने वाली है, जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिल भी रहा है। ये थी दोस्तों अभी अभी की लेटेस्ट अपडेट फ्लैश प्रीव्यू के माध्यम से, इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।